आज का जो वेबिनार कार्यक्रम है उसको प्रारंभ करने जा रही हूँ। शासकीय महाविद्यालय भैंसदेही द्वारा जेंडर इश्यूज एंड विमेन एम्पावरमेंट विषय पर आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़े समस्त विद्वज्जनों का मैं नीलिमा धाकर सहायक प्राध्यापक इतिहास हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आमंत्रित वक्ता के रूप में हमारे साथ डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बी के श्रीवास्तव सर आज उपस्थित हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से। साथ ही हमारे साथ आमंत्रित वक्ता के रूप में इंग्लिश डिपार्टमेंट एस के पोरवाल कॉलेज कामठी नागपुर से एसोसिएट प्रोफेसर मैडम डॉक्टर रेणुका रॉय जुड़ चुकी है। मैडम मैं आपका भी महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य श्री जितेंद्र कुमार दवंडे सर जिनके मार्गदर्शन में आज का यह वेबिनार कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं उनका भी मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार के विषय की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा वेबिनार है उसका विषय है जेंडर इश्यूज एंड विमेन एम्पावरमेंट। जब हम जेंडर इश्यूज और जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी और आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को जानते भी होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स घोषित किए गए हैं उसमें से एक जेंडर इक्वालिटी है। इसका अर्थ यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह माना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास की प्रक्रिया में सभी जेंडर्स की भागीदारी आवश्यक है। हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी जो है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर कई मामलों में हमें लैंगिक असमानता देखने को मिलती है और जिसका प्रभाव महिलाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और आर्थिक स्तर पर भी देखने को मिलता है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना एवं इस विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रतिभागियों को जागरूक करना ही आज के हमारे इस वेबिनार का के आयोजन के पीछे जो है हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य श्री जितेंद्र कुमार दवंडे स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। आदरणीय दवंडे सर। धन्यवाद मैडम। आई होप आई एम ऑडिबल। यस सर, यस। तो आज के इस कार्यक्रम जिसका कि नाम है ये एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार है, शासकीय महाविद्यालय भैंसदेही द्वारा आयोजित किया जा रहा है हमारे IQAC के तत्वाधान में, जिसका विषय है जेंडर इश्यूज एंड वुमेन एम्पावरमेंट, लैंगिक समस्याएं एवं महिला सशक्तिकरण। आज के इस मंच पर सबसे पहले मैं बड़े ही हर्ष के साथ में अपने हृदय की गहराई के साथ में स्वागत करता हूं हमारे बीच में बड़े ही प्रखर विद्वान डॉक्टर बी के श्रीवास्तव, प्रोफेसर बी के श्रीवास्तव, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं तहे दिल से उनका इस महाविद्यालय के मंच पर स्वागत करता हूँ और बड़ी प्रसन्नता से मैं हमारे दूसरे स्पीकर, मेरे मित्र और डॉक्टर रेणुका एल रॉय, जो कि सेठ केसरीमल पोरवाल कॉलेज कामठी नागपुर से हमारे बीच में उपस्थित है, मैडम का मैं बहुत स्वागत करता हूँ महाविद्यालय परिवार की ओर से। साथ ही जितने प्रतिभागी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वेबिनार का जो विषय है जेंडर इश्यूज एंड वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे पहले तो हम सभी को यह सोचना चाहिए या एक तरह से कहें कि यह बड़ी विडंबना है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर कि कहा जाता है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत जैसे देश में जहां पर कि नारियों को सदियों से पूजा जा रहा है, प्रारंभ से ही ईश्वर का दर्जा उनको दिया जाता है, चिंता का विषय है कि आज भी हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं। खैर, यह विमर्श महिला सशक्तिकरण के बारे में विमर्श, इसका इतिहास नया नहीं है। लगभग 18वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर यह प्रारंभ हुआ
और लगभग 19वीं सदी में हमारे महान समाज सुधारक राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि के प्रयासों से इस विमर्श को आगे दिशा और दशा मिली। हमने यह भी देखा है कि आजादी के आंदोलन में और विशेष रूप से महात्मा गांधी के आह्वान पर बहुत सारी महिलाएं और असंख्य महिलाएं आजादी के आंदोलन में भी अपनी भागीदारी बखूबी उन्होंने निभाई है। आजादी के बाद संवैधानिक प्रावधान सरकारी प्रयासों से देखने में आया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम बहुत कुछ हासिल तो कर चुके हैं, परंतु अब भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है और स्थिति वैसी नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं, या जितना जो रिजल्ट हमको, जो परिणाम हमको इतने सरकारी प्रयासों के बावजूद और संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद जो परिणाम हमको परिलक्षित होना था, वह परिणाम हम देख नहीं पा रहे हैं। यह चिंता का विषय है। वास्तव में कई ये हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि जब हम कहते हैं कि भाई कोई समस्या वैश्विक है या ग्लोबल फिनोमेना है, हमको लगता है हमारे घर की नहीं है, विश्व कहीं और है और हम कहीं और है। वास्तव में सोचने की आवश्यकता है कि जब हम बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर या ग्लोबल लेवल पर कि ये इस तरह की समस्या है, तो वहां पर हम खुद भी शामिल होते हैं। हमारे घर से ये सारी चीजें शुरुआत होती है। हमारा घर है, हमारा समाज है, हमारा राष्ट्र है, हम सब उसमें शामिल है। तो निश्चित रूप से यदि हम आज भी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार है, बराबरी के हम लोग हकदार है। इसमें कोई शक नहीं है कि वर्षों से महिलाएं अपना काबिलियत, अपनी क्षमता विश्व वैश्विक परिदृश्य पे, हमारे देश के परिदृश्य में अपना लोहा मनवाती रही है, अपनी क्षमता को साबित करते रही है, परंतु पिक्चर उतनी ही ब्राइट अभी नहीं है। अभी भी इस मामले में हमको या इस विषय पर हमको बहुत कुछ प्रयास और विमर्श करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो महाविद्यालय है वो एक ग्रामीण परिवेश में, आदिवासी अंचल में बसा हुआ है। यहाँ पर भी बहुत आसानी से जो लैंगिक असमानता है वो हमको दिखाई पड़ती है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं वो वेबिनार में जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि जब महिलाएं खेतों में मजदूरी करने के लिए जाती है तो महिला मजदूर और पुरुष मजदूर के वेजेस में, पारिश्रमिक में बड़ा अंतर है। ये बात किसी से छुपी नहीं। हमारे राज्य मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय है, स्थानीय प्रशासन है, पंचायती राज है, उसमें आंकड़े अगर हम देखें तो लगभग 50% की भागीदारी महिलाओं की है, परंतु धरातल पर ऐसा नहीं है। महिलाओं के बदले प्रशासन उनके घर के कोई पुरुष, उनका भाई, उनके पिता या उनके पुत्र करते हैं। मुझे बताने में संकोच नहीं हो रहा है कि अभी चुनाव के दौरान, इलेक्शन ड्यूटी के दौरान मैं एक पंचायत में था और वहां पंचायत भवन में सरपंच की कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठे हुए थे, पुरुष बैठे हुए थे। सचिव ने बड़ी प्रसन्नता से मुझे सच से मिलाया कि ये हमारे सरपंच है हमारे गांव के, परंतु मैं चार्ट में देख रहा था तो सरपंच के नाम के आगे किसी महिला का नाम लिखा हुआ था। उनके जाने के बाद में मैंने सचिव से पूछा कि भाई ये कैसा है, तो फिर उन्होंने बताया, क्लियर किया कि ये सरपंच पति है। तो इस तरह से ये स्थितियां हमको धरातल पर देखने को मिलती है। इसीलिए आज इस विषय पर चर्चा करना, विमर्श करना, ये समय की मांग है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज इस विषय पर जो हमारा विमर्श होगा, जो चर्चाएं होगी और चर्चा के पश्चात जो निष्कर्ष निकलेंगे, वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होंगे। मेरी आप सभी लोगों को, विशेष तौर पर आयोजन समिति को शुभकामनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि यह आयोजन आज का हमारा अवश्य ही सफल होगा। एक बार फिर से मैं हमारे जो अतिथि है, स्पीकर्स है, गेस्ट स्पीकर्स है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ओवर टू धाकर मैडम। थैंक यू सर, आपने हमारे पूरे वेबिनार के उद्देश्य
और इसके टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हम सबको अवगत कराया है, हमारे सारे प्रतिभागियों को। इसके बाद तो हम जो अपना वेबिनार का जो मुख्य सेशन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारे जो आज के प्रथम वक्ता है प्रोफेसर बी के श्रीवास्तव सर। सर को आमंत्रित करने से पहले मैं संक्षिप्त में सर का परिचय देना चाहूंगी। मैं संक्षिप्त में इसलिए कह रही हूं कि अगर मैं सर की उपलब्धियां यहां पर बताने लगी तो शायद बहुत सारा टाइम जो हमारा है वो सर की उपलब्धियों का वर्णन करने में ही यहां पर चला जाएगा। सर के बारे में मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के एकेडमिक्स में सर का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। सर काफी नोन पर्सन है पूरे मध्य प्रदेश में एकेडमिक्स में। सर की 65 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है, 115 से अधिक शोध आलेख सर के विभिन्न शोध पत्रिकाओं एवं संपादित पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंसेस में सर अपने शोध पत्रों की प्रस्तुति दे चुके हैं। सर 4 राष्ट्रीय सेमिनार एवं 3 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस का सफलतापूर्वक आयोजन कर चुके हैं। सर अनेक शोध पत्रिकाओं के संपादक, सह संपादक एवं संपादक मंडल के सदस्य भी हैं, और सर वर्तमान में मध्य प्रदेश इतिहास परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष है। सर को दीवान प्रतिपाल सिंह बुंदेला सम्मान एवं इतिहास वेत्ता सम्मान जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सर को 27 वर्ष से अधिक का शैक्षणिक अनुभव है। सर वर्तमान में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर है, और साथ ही सर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत विभिन्न प्रशासनिक पदों पर सर रहे हैं, और सर प्रौढ़ शिक्षा विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष भी है। और इस सब के अलावा जो मेरे लिए, मुझे सर को यहाँ पर आमंत्रित करते हुए अत्यंत हर्ष, बहुत ही ज्यादा आत्मिक खुशी मैं यहाँ पर अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि सर मेरे रिसर्च सुपरवाइजर है, और मैं बहुत अपने आप को इस मामले में लकी कहना चाहूंगी कि मुझे विगत 13-14 वर्षों से सर का लगातार मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, और केवल पीएचडी थीसिस या रिसर्च कंप्लीट करने में ही नहीं, पूरी लाइफ के जो बड़े डिसीजंस है उनको लेने में मुझे हमेशा सर का जो है मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और ये मैं आपको आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि सर, क्योंकि मैंने सर की इतनी क्लासेस अटेंड की है, सर से मुझे इतना मार्गदर्शन मिला है, तो मैं इस बात को मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सर आज एक इतिहासकार के रूप में जो महिलाओं की जो ऐतिहासिक जो महिलाओं की स्थिति रही है भारत में उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, तो उससे निश्चय ही हमारे जो प्रतिभागी है, जो हमारे विद्यार्थी है यहाँ के, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी और वो लाभान्वित होंगे। तो मैं अत्यंत गर्व और हर्ष के साथ प्रोफेसर बी के श्रीवास्तव सर को आमंत्रित कर रही हूँ। आदरणीय श्रीवास्तव सर। थैंक यू नीलिमा, शासकीय कॉलेज भैंसदेही द्वारा ये बड़ा अच्छा वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, और इसके प्राचार्य श्री जितेंद्र कुमार दवंजी जी को हमने सुना, और उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सटीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से, जो स्थिति है, जेंडर इश्यूज हैं और जो महिला सशक्तिकरण की बात है, तो बहुत संक्षेप में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विचार उसमें रखे हैं। और इसके जो कन्वीनर हैं डॉक्टर नीलिमा धाकड़, और बहुत अच्छी तरह, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये सेमिनार बिल्कुल एकदम टाइम पर आरम्भ हो गया। सबसे बड़ी चीज है, जैसे 12:15 का टाइम हमारा था और 12:15 पर ही हमारा शुरू हो गया। और जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आयोजन सचिव श्री रविंद्र सिंह साक्यवार जी हैं, तो एक तो सबसे पहले ये जो इतना अच्छा वेबिनार आयोजित करने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, और मेरे साथी वक्ता जो स्पीकर हैं डॉक्टर रेणुका राय जी, उनको भी हम सुनेंगे। और जैसा कि नीलिमा जी ने कहा तो ये बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ नीलिमा जी ने एमए किया था, और हमारे एमए में भी वो हमारी सबसे श्रेष्ठ स्टूडेंट थी, पूरे विभाग की सहेती थी, और जब रिसर्च स्कॉलर के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया तो हमारे यहाँ सभी लोग इनको काफ़ी पसंद करते थे, इनका व्यवहार और इनका जो इन्होंने क्लास भी ली, बच्चे भी इनसे काफ़ी संतुष्ट रहे। और ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज भैंसदेही की भी बड़ी अच्छी किस्मत है कि वो वहाँ पर हैं। और जिस प्रकार इन्होंने मेरे बारे में कहा, तो आप समझ सकते हैं कि द्रोणाचार्य को भी सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अर्जुन जैसा उनका श्रेष्ठ शिष्य था। और जैसा कि प्राचार्य महोदय ने कहा कि सरपंच पति वाली बात कही, तो मुझे याद आता है कि यहाँ पर एक कार्यक्रम था, उसमें अभी जो माननीय मंत्री बनी है बीरेन खटीक जी, वो एक कार्यक्रम में हमारे मंच पर थे, तो उनसे ऐसे ही कहा गया कि भाई उनकी वाइफ भी आने वाली थी तो वो किसी कारणवश नहीं आई थी,
तो उनसे जब पूछा गया कि वो नहीं आई तो उन्होंने मंच पर कहा कि भाई मैं अगर उनको लाता तो ये था कि उनको मंच पर बिठाया जाता, तो ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मंच पर उनको नहीं बैठना चाहिए, लेकिन मैं लाता तो बैठा लेते। और उसी समय यहाँ मंच पर एक ऐसे सज्जन बैठे हुए थे जो कि वो कुछ नहीं थे लेकिन उनकी पत्नी पद पर थी और पत्नी की जगह वो बैठे हुए थे। तो बीरेन जो माननीय मंत्री महोदय ने बहुत सटीक जो व्यंग किया था वो वास्तव में बड़ा श्रेष्ठ था कि भाई जो व्यक्ति है ठीक है आज हो जो भी महिला है तो महिला सशक्तिकरण की बात करिए, सबसे पहला तो ये प्रयास होना चाहिए कि जिस भी पद पर महिला है उस पद की गरिमा को महिला के द्वारा ही रक्षा की जानी चाहिए। और ये जो बात है आपको बताने की जो जेंडर इशू की बात अगर करते हैं तो हमारे जो परिवार में लिंग के आधार पर जो प्रमुख दो वर्ग हैं तो देखिए एक तो पुत्र पुत्री, भाई बहन, माता पिता और स्त्री पुरुष पति पत्नी, तो ये व्यवस्था इन दोनों से ही बनती है। तो ये मान के चलिए कि ये दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो गाड़ी इन दोनों के माध्यम से ही चलती है। और चूंकि हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में हैं तो आपको बता दें डॉक्टर हरि सिंह गौर जो थे वो एक प्रख्यात विधिवेत्ता भी थे, शिक्षा शास्त्री भी थे और उनके मन में महिलाओं के प्रति महिला सशक्तिकरण के लिए वो सदैव प्रयासरत रहे। और आपको बता दें जो आज महिलाओं को, पहले महिलाओं को वकालत करने का अधिकार नहीं था, पुरुष कर सकते थे महिलाएं नहीं, तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर के कारण ही महिलाओं को वकालत का अधिकार मिला था, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और इतिहास में भी हम पढ़ते हैं जो देवदासी प्रथा है साउथ में जो ज्यादा प्रचलित है उसको, देवदासी प्रथा को रोकने के लिए भी जो कानून बनाया गया था उसमें भी डॉक्टर हरि सिंह गौर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जो महिलाओं के विवाह की आयु को जो बढ़ाने का जो कानून पास हुआ था ये जो कंसेंट बिल, उसमें भी डॉक्टर हरि सिंह गौर ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मैंने राहुल सांकृत्यायन पर पीएचडी किया है और राहुल सांकृत्यायन भी महिला सशक्तिकरण के प्रबल पक्षधर थे, वो लिंग आधारित विभेद के उन्होंने काफी, उनके 120 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित है और उसमें उन्होंने जो किताब लिखी है आप देखेंगे उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि महिला किसी से कम नहीं है। एक उन्होंने 22वीं सदी पुस्तक लिखी थी उसमें ये बताया था कि 22वीं सदी में क्या होगा, उसमें बताया था कि देखेंगे आप महिला सशक्त हो चुकी होगी और आज जिस प्रकार महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता 22वीं सदी ऐसी सदी आएगी जिसमें महिलाएं देश तो क्या विदेश तक के लिए जाने में निर्भीक जाएंगी। तो आप देखिए कि उन्होंने जो लिखा था वो आज कितना सत्य साबित हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात उनके जितनी भी ग्रंथ है आप देखिए, भागो नहीं दुनिया को बदलो, तुम्हारी छह, मेरी जीवन यात्रा, घुमक्कड़ स्वामी, घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र में तो स्पष्ट क्या है कि स्त्रियों को भी घुमक्कड़ी के क्षेत्र में आना चाहिए क्योंकि स्त्री अगर घुमक्कड़ी के क्षेत्र में आएगी तो एक नया इतिहास रचेगी। तो आज देखिए कि स्त्री निश्चित रूप से उनकी आकांक्षा पूरी हो रही है, स्त्री घुमक्कड़ी के क्षेत्र में आ रही है और पर्यटन में आप उनका देख रहे हैं, आप कई जगह जाएंगे पर्यटन पर जाते उनके जो संस्मरण है वो पढ़ने लायक होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि डॉक्टर नीलिमा जी ने कहा कि विद्यार्थी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो आपको बता दें कि जो पाषाण काल था, पाषाण काल में आपको बता दें कि पाषाण काल में मातृसत्तात्मक परिवार थे क्योंकि उस समय विवाह संस्था अस्तित्व में आई नहीं थी, तो जितने भी बच्चे थे सिर्फ माँ को पहचानते थे, अपने पिता को नहीं पहचानते थे, तो इसलिए माँ और फिर दादी बन जाती थी, जिस प्रकार माँ का ही सत्ता चलती थी। लेकिन चूंकि खाद्य एवं आकिट संग्रह, खाद्य के लिए उस समय आकिट संग्रह ही प्रमुख आधार था, तो उसमें पुरुष वर्ग को यह लगा कि हम बाहर जाकर शेर का शिकार करते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं, उसमें काफी मेहनत का सामना करना पड़ता है, इसमें स्त्रियों की भागीदारी नहीं होती। तो उन्होंने फिर, उनके मन में ये विश्वास जब आया तो उन्होंने फिर ये बात कही कि नहीं, ये श्रम का विभाजन होना चाहिए, स्त्रियां घर का काम देखेंगी और पुरुष बाहर का देखेंगे और सत्ता जो महिलाओं की है वो महिलाओं की सत्ता नहीं होकर पुरुषों की सत्ता होना चाहिए। तो आप देखेंगे किस प्रकार पुरुष के मन में एक अहम आया और इस प्रकार मात्र सत्ता धीरे धीरे कबीलाशाही में परिवर्तित हुई, उसके बाद पितृसत्तात्मक परिवार अस्तित्व में आए। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देखेंगे नरमूर्तियां जो महिलाओं की काफी मात्रा में मिली है, कांस्य स्त्री की कांस्य मूर्ति भी मिली है और एक स्त्री की ऐसी मूर्ति मिली जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मातृ देवी की पूजा होती थी और उसको पृथ्वी देवी और की उर्वरा शक्ति का प्रतीक के रूप में इसको दर्शाया गया है। तो पूरा का पूरा सिंधु घाटी में आप देखेंगे तो मातृ सत्तात्मक परिवार ही हमें नजर आते हैं। और जैसे ही हम वैदिक काल में आते हैं, ऋग्वैदिक काल में
आप देखेंगे ऋग्वेदिक काल में पूरा ऋग्वेद आप पढ़ लीजिए, ऋग्वेद में कहीं पर भी लिंग आधारित कोई विभाजन नहीं दिया गया है, उसमें महिला पुरुष को बराबरी का अधिकार दिया गया है। हालांकि कुछ नकारात्मक जो लोग हैं उन्होंने ये बात सामने रखी है कि उसमें कई रचाएं ऐसी हैं जो कि पुत्र जन्म के लिए प्रार्थना करने वाली रचाएं हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि पुत्र जन्म हो। निश्चित रूप से उनका कहना है कि ऋग्वेद में भी लोग पुत्र का जन्म चाहते थे, पुत्र जन्म के लिए खुशी प्रकट करते थे, लेकिन कई ऐसी रचाएं भी मिलती हैं जिसमें कि विदुषी पुत्री की प्राप्ति के लोगों ने यज्ञ किए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि पुत्र, पुत्र की प्राप्ति का भी बड़ा महत्व था। और जो आप देखेंगे कि एक वर्ड मिलता है जाय देशता, यानी कि पत्नी ही घर है, तो इससे समझ में आता है कि पत्नी का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। और परिवार घर अगर है तो अगर पत्नी नहीं है तो वो घर ही नहीं कहा जाता था। तो ऋग्वेद में नारी की स्थिति बड़ी अच्छी थी और कई जो महिलाएं हमारी लोपा मुद्रा, विश्ववारा, घोषा, अपाला, सावस्ती, गार्गी, लगभग 20 स्त्रियों का हमें उल्लेख मिलता है जिन्होंने के ऋग्वेद की रचनाओं में अपना योगदान दिया था। और शैक्षिक सुविधा की बात करें तो पुत्र और पुत्री को बराबरी का अधिकार था शिक्षा प्राप्ति में। और जो महिलाएं थी वो जो पढ़ने वाली महिलाएं थी दो भागों में उनको विभाजित किया जाता है, एक ब्रह्मवादिनी जो कि आजीवन धर्म एवं दर्शन की अध्यक्षता रहती थी, और एक संतोधारा रहती थी जो कि मात्र विभाग के पूर्व तक उनको शिक्षा दी जाती थी, शिक्षित शिक्षा ग्रहण करती थी, विभाग के बाद उसको वो बंद कर देती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी और लिंग के आधार पर कोई विभेद हमें, विभाजन या कोई जेंडर इशू हमें देखने में नहीं आता। लेकिन उत्तर वैदिक काल में थोड़ी परिवर्तन हमें दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि धार्मिक कार्य जितने भी होते थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कार्यों में बढ़ोतरी हुई, जितने भी क्रियाकलाप थे, यज्ञ आदि थे, उसमें बिना पत्नी के पति यज्ञ में नहीं बैठ सकता था, तो उसमें महिलाओं का जितनी भी अनुष्ठान थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उनकी देखी जाती है। और पति और पत्नी को गृहस्थ जीवन के दो पहिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। यहाँ पर एक चीज जो उत्तर वैदिक काल में जो देखने की आई कि पुरुष को जो बच्चे थे, जो पुत्र थे, उनको तो गुरुकुल भेजा जाता था, लेकिन पुत्रियों के लिए धीरे धीरे शिक्षा की व्यवस्था घर में ही की जाने लगी। अब यहाँ पर जो जितने भी जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो हमें मिलते हैं, उसमें ब्राह्मण ग्रंथों में एक बात कहा गया है कि स्त्री को दुर्बल एवं भावुक मस्तिष्क का कहा गया है, इसलिए उसको कहा गया कि इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं सब समस्त ब्राह्मणों की बात हो। एक शतपथ ब्राह्मण हमें मिलता है, वो बड़ा अच्छा बात करता है। वो कहता है गृह कार्य में उत्तरदायित्व स्त्री पुरुष का समान रूप से होना चाहिए। अगर गृह कार्य में ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्री कार्यरत है, पुरुष को भी उसमें अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। और विधवा की जो स्थिति है उसमें भी उत्तर वैदिक काल में ये दिखाया गया है कि वो प्राय देवर के साथ विवाह कर लेती थी विधवा होने के बाद। सती प्रथा का उल्लेख हमें ज्यादा दिखाई नहीं देता। और दूसरा जो मिलता है कि नियोग द्वारा वो किसी अन्य व्यक्ति से भी पुत्र प्राप्ति तक संबंध बना सकती थी, तो ऐसा हमें उल्लेख इसमें मिलते हैं। लेकिन वैदिक काल के उपरांत महिलाओं की स्थिति में हमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ह्रास दिखाई देने लगता है। जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति एक ओर तो कहती है यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता वास करते हैं। लेकिन कुछ अन्य लोग थे जैसे ज्योतिरीश्वर, वो ये कहते हैं कि स्त्री चरित्र को दुलस्य एवं दारुण बताया गया है और स्त्रियों को उन्होंने उपनयन के अधिकार से वंचित कर दिया था। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिलता है। लिंग आधारित विभेद यहाँ पर हमें काफी दिखाई देता है। जो वशिष्ठ स्मृति है वो उसने एक बात लिखी है कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षति स्तवरे पुत्र न स्त्री स्वतंत्र में ही, यानी कि स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। बचपन में पिता उसकी रक्षा करना चाहिए, पिता का दायित्व उसकी रक्षा करे, और जवानी में ये पति का दायित्व को उसकी रक्षा करे, और बुढ़ापे में ये पुत्र का दायित्व को उसकी रक्षा करे। तो ये जो बात है ये थोड़ा सा देखने को मिलती है कि ये थोड़ा सा विरोधाभास, क्योंकि एक बार मनुस्मृति कुछ कहती है, वशिष्ठ स्मृति कुछ कहती है। तो यहाँ पर जितनी भी स्मृति ग्रंथ है, ब्राह्मण साहित्य आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें हमें स्त्री की स्थिति में हमें जो परिवर्तन, लेकिन फिर भी स्थिति श्रेष्ठ दिखाई देती है। लेकिन कहीं कहीं ये दिखाई देता है कि हाँ इन्होंने कहीं कहीं किसी बात पर ये बात की। जैसे मनु है,
मनु एक बात जो लिखते हैं मनु स्मृति में कि पति कितना भी दुराचारी हो, कितना भी चरित्रहीन हो, फिर भी पत्नी का दायित्व है कि पति को देवता के समान मानकर पूजा करे। तो ये बड़ा ऐसी बातें जब आती हैं तो ये बड़ा दुख प्रकट होता है कि भाई इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे समय बदल रहा है और धीरे धीरे स्त्रियां इससे उभरने वाली हैं। जैसे हम पीएचडी भी जो हो रही है महिलाओं की स्थिति पर और जितने भी धर्म ग्रंथों पर जो काम हो रहा है, ऋग्वेद कथाओं पर काम हो रहा है, उसमें ये बात उभर कर आ रही है कि वास्तविकता क्या है। लेकिन शास्त्रकारों ने साथ साथ यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो वो उसकी पत्नी के द्वारा ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसको अर्धांगनी कहा गया है, पति का आधा अंग उसको कहा गया है, और उसको कहा गया है कि यह पति की सच्ची मित्र और धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार चीजें हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारी परंपरा में। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका धर्म अर्थ काम, इसमें बिना स्त्री के तीनों चीजों की प्राप्ति असंभव है। तो धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए आपको स्त्री का साथ चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद महाकाव्य आता है। महाकाव्य काल में हम देखते हैं कि स्वयंवर प्रथा अस्तित्व में थी। आप देखेंगे कि द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था और कई स्वयंवर हमें देखने को मिलते हैं। इससे एक बात साबित हो जाती है कि स्त्री को वर चुनने का अधिकार था आपका। इसके बाद जैन और बुद्ध काल आता है, जो महाजनपद काल आता है, उसमें भी आप देखेंगे कई विदुषी स्त्रियों का हम नाम पाते हैं। जैसे कौशाम्बी शासक की जो पुत्री थी जयंता, वो ज्ञान एवं दर्शन की काफी प्रवीण थी उसमें। और उस समय की जो चेलना थी बिंबिसार की पत्नी गौतमी, गौतम बुद्ध की माता खेमा, ये सभी विदुषी स्त्रियां थी। राजगृह का जो धनिक था उसकी जो पुत्री थी भद्रा कुंडल केसा, वो शास्त्रार्थ काल कला में काफी प्रवीण थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण उल्लेख हमें दिखाई देता है। और दूसरा बिंबिसार की पत्नी चेलना थी, वो भी शास्त्रार्थ में निपुण थी। और उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो मंडन मिश्र की पत्नी भारती थी, उन्होंने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। तो इससे ये पता चलता है कि कई महत्वपूर्ण स्त्रियों का नाम हमें देखने को मिलता है। अब सातवान काल की हम बात करें, सातवान काल पूरा का पूरा सातवान काल हमें मात्र सत्तात्मक दिखाई देता है, क्योंकि जितने भी राजा हुए उन राजाओं के नाम, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री पुत्र, तो ये महिला का जो माता का नाम पुत्र के साथ मिला हुआ है। और लिंग आधारित भेद हमें कहीं भी सातवान काल में दिखाई नहीं देता। जैसे नागनिका जो थी, उनके पति की जब मृत्यु हो जाती है, शासन कार्य उनके द्वारा ही संभाला गया था। ऐसे ही बलश्री ने अपने पति गौतमी पुत्र के साथ शासन संभाला था। सातवान के पाल के बाद जब गुप्त काल आता है, गुप्त काल में फिर एक बार हमें स्त्री की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। जैसे आप देखिए कि सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है 510 ईस्वी का भानुगुप्त का हिरण अभिलेख, ये गुप्तकालीन ही है। तो पहला अभिलेखागार ये प्रमाण सती प्रथा का गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। उसके बाद गुप्त काल के बाद हम देखते हैं कि हर्षवर्धन का काल जब आता है, हर्षवर्धन के काल में राज्यश्री के बारे में हम जानते हैं कि जब वो सती हो रही थी उसी समय जाकर दिवाकर मिश्र की सहायता से हर्षवर्धन ने उसको बचाया था। लेकिन हर्षवर्धन ने जो शासन संयुक्त रूप से राज्यश्री के साथ किया था, तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की स्थिति में हम बिल्कुल जो बैलेंस स्थिति कहीं कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। अब जब मध्यकाल आता है, मध्यकाल में आप देखिए, मध्यकाल में रजिया सुल्तान की बात अगर देखें तो रजिया सुल्तान सिर्फ लिंग आधारित विरोध के कारण ही सत्ता उसकी स्वीकार नहीं की गई, जबकि इल्तुतमिश ने उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था और योग्यता की उसमें कोई कमी नहीं थी, हर तरह से वो योग्य थी, लेकिन सिर्फ उसका महिला होना ही उसके पतन का कारण बना था। तो ये लिंग आधारित भेद का मध्यकाल का जो पहला प्रमाण हमें देखने को मिलता है। लेकिन मध्यकाल में विदुषी नारियों, बहादुर नारियों का उल्लेख हमें काफी बहुतायत के साथ मिलता है। जैसे गोंडवाना की रानी दुर्गावती को ले लें, अहमदनगर की चांदबी को ले लें, इन्होंने अकबर के खिलाफ कठोर संघर्ष किया था, कोई संघर्ष में कमी नहीं छोड़ी। भक्ति आंदोलन की बात करें तो मीराबाई, आप देखते हैं जितने भी भक्ति आंदोलन के संत हैं तो मीराबाई किसी से कम नहीं थी। मीराबाई का नाम भी पैरेलल रूप से हम देखते हैं। अब आधुनिक काल जब आता है तो आधुनिक काल में सबसे पहला जो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में तो रानी लक्ष्मीबाई, आप पे ऐसा कोई नहीं है आप में से जो उनको न जानता हो। और आप देखिए लिंग आधारित भेद की बात करें तो जब वो बिठूर में थी, और बिठूर में नाना साहब, तात्या टोपे, बाला साहब, राव साहब, इनके साथ उसको बिना किसी भेद के शिक्षा दी गई थी।
पूरी की पूरी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी, तलवार इन्होंने सीखी थी, भाले चलाना सीखे थे, राजनीति सीखी थी। और उसके बाद आप देखिए जब झांसी की रानी वो बनती है, यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जब गंगाधर राव की मृत्यु होती है, गंगाधर राव का जो विवाह होना होता तो फैक्टर दीक्षित जब जाते हैं और मोरोपंत से लक्ष्मीबाई का हाथ मांगते हैं, तो मोरोपंत यहाँ पर तीन शर्त रखते हैं। तो आप देखिए कि आज के युग में जो दहेज की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा दिखाई देता है। जो तीन शर्तें थी, तो पहली शर्त रखी जाती है कि यह विवाह झांसी में ही होगा और पूरा खर्चा विवाह का गंगाधर राव उठाएंगे। दूसरी शर्त, चूंकि मेरी पुत्री ही मेरा आसरा है और मेरी पुत्री मैं आपको दे दूंगा, तो मेरा खर्च भी आपको ही उठाना पड़ेगा, आपको मुझे रहने के लिए झांसी में इंतजाम करना पड़ेगा और मेरी गिनती आपके प्रमुख सरदारों में होगी। और गंगाधर राव तीनों चीजें स्वीकार करते हैं, साथ में यह भी स्वीकार करते हैं और एक शर्त और रखते हैं कि मेरी पुत्री, चूंकि मैं आपको विवाह कर रहा हूं तो मैं अकेला रह जाऊंगा, तो मैं भी विवाह करूंगा और मेरे विवाह का खर्चा वो भी आपको उठाना पड़ेगा, और वो विवाह का खर्चा भी गंगाधर राव ही उठाते हैं। तो आप देखिए कि महिला अगर योग्य, रानी लक्ष्मीबाई योग्य थी, और न केवल इस बात में हमें पता चलता है, अपितु जब रानी लक्ष्मीबाई रानी बनती है तो आप देखिए कि उसने अंग्रेज जितने भी इतिहास हिस्टोरियंस हैं, अंग्रेज इतिहासकार हैं, या जितने भी भारत के इतिहासकार हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता तो हर एक की जवान पर है, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। और आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई कई चीजें जो थी, जो जैसे कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि रानी लक्ष्मीबाई को अगर झांसी दे देते तो वो युद्ध नहीं लड़ती, वो सिर्फ झांसी के लिए लड़ रही थी। और तो आप देखिए यहाँ पर एक रानी लक्ष्मीबाई का पत्र हमें मिलता है, वो पत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें मर्दन सिंह को पत्र लिखती है, उसमें लिखती है रानी लक्ष्मीबाई श्री श्री महाराजा मर्दन सिंह, श्री श्री महारानी लक्ष्मीबाई, आप पर अपन के समाचार भले चाहिए थे, आप पर अपनी सागर वाली की नाना साहब की बाकी सलाह स्वराज भाव चाहिए थे, वही सलाह रानी ने कहा कि भारत अपन को देश इनकी गुलामी करवो अच्छो नहीं करवो अच्छो है, पार्थिव समाचार देने में आवे मिति पार्वती संवत 1914 मुकाम कांति। आप देखिए यह पत्र इतना महत्वपूर्ण है, तीन बात स्पष्ट करता है। पहली बात, जो अंग्रेज इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि रानी सिर्फ झांसी के लिए लड़ रही थी, वहां पर वो स्पष्ट लिखती है रानी के भारत अपन को देश है, यानी रानी झांसी की, रानी झांसी के लिए न लड़के पूरे भारत के लिए लड़ रही थी। दूसरी बात जो हमें मिलती है, जो अंग्रेज इतिहासकारों ने या कतिपय भारतीय इतिहासकारों ने आरोप लगाया कि 1857 की क्रांति सिर्फ एक विद्रोह था, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई स्पष्ट करती है कि जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1853 को, तो शोक संवेदना व्यक्त करने जब बर्धन सिंह भगत वाली ताटा टोपी आए हुए थे, उस समय यह प्लान बना था कि हमें क्रांति करना है। इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख है, आप पर अपन की बस सागर वाली की नाना साहब की ताटा टोपी की सलाह भई थी, स्वराज भाव चाहिए, यानी कि ये एक प्लान क्रांति थी, रिवॉल्यूशन था। और तीसरी चीज जो स्वराज की बात है, तो आप देखिए हमें आज तक हमने पढ़ा कि बाल गंगाधर तिलक की बात आती है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक से पहले स्वराज की बात रानी पूरे भारत के अनसंग हीरो सामने आए, उसमें आप वेबसाइट को देखेंगे, एकेएम की वेबसाइट में, उसमें कई महिलाओं के नाम आते हैं, ऐसे जिग्नी की नन्ही रानी, उसने भी काफी युद्ध किया था, रजू रानी ने भी काफी युद्ध किया था, रानी अवंती बाई जो थी उसने भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसके बाद आधुनिक काल में तो आप देखिए कि गांधी जी के साथ जितनी भी सहयोग में थी महिलाएं, आप सरोजनी नायडू को देख लें, सुचिता कृपलानी को देख लें, अरुणा आसफ अली को देख लें, इंदिरा गांधी जो बाद में आती है, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, तो पूरे आधुनिक काल में हमें महिलाएं एक से बढ़कर एक मिलती हैं। और महिला सशक्तिकरण की बात देखें तो ईश्वर चरण विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाह की बात उठाई, और जो करबे महोदय थे, करबे महोदय ने तो विधवा से विवाह तक किया था, और उसके बाद राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को बंद करवा दिया। तो हमारे पूरे के पूरे आधुनिक काल में महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास हुए, आप देखेंगे उन प्रयासों को कोई गिनती नहीं है, जितना भी कहा जाए उतने कम है। और फिर कई महिलाएं जैसे पंडित रमाबाई थी, ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी, आप देखेंगे कई ऐसी विदुषी महिलाएं हमारे सामने आती हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में
काफी महत्वपूर्ण कार्य किया। और आपको बता दें कि हम सागर में रहते हैं, सागर में जब झंडा सत्याग्रह हुआ था, झंडा सत्याग्रह में सागर के जो लोग थे वो नागपुर इकट्ठे हो रहे थे, तो उसमें पुरुष पूरे के पूरे जा रहे थे, तो यहाँ पर एक सावित्रीबाई हार्डीकर थे। सावित्रीबाई हार्डीकर ने जब कहा कि मुझे भी नागपुर जाना है, तो उनसे कहा गया नहीं भाई इसमें सिर्फ पुरुष जा रहे हैं, महिला कोई नहीं जा रही। तो सावित्रीबाई, और ये कहा गया कि अमृताई भी नहीं जा रही, जो कि असहयोग आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया था, एक बड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी थी। तो सावित्रीबाई हार्डीकर ने कहा था कि मेरी अमृताई से आप तुलना क्यों कर रहे हैं, और ये लिंग आधारित भेद की बात कहां से आ गई, मैं जाऊंगी, मुझे जाना है। उन्होंने दैनिक समाचार पत्र, जो मध्य भारत का सबसे पहला दैनिक समाचार पत्र था प्रकाश, उसके संपादक थे मास्टर बलदेव प्रसाद, उनको उन्होंने पत्र लिखा और उसमें स्पष्ट कह दिया कि मुझे कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने मना किया, लेकिन मैं हर हालत में जाकर रहूंगी। और फिर उन्होंने उस पर, मास्टर बलदेव प्रसाद ने भी आलेख लिखा था। तो आप देखिए कि हमारी जो महिला है वो किसी से कम नहीं है, वो हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही है, और आप देखेंगे कि जो आगे आने वाली सदी है महिलाओं की सदी होगी। और अब वो जो हमारे प्रिंसिपल साहब ने जो बात की थी सरपंच पति वाली, आप देखेंगे अब वो धीरे धीरे समय आ रहा है कि महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, सरपंच बनेंगी, तो सरपंच बनने का महापौर बनेंगी। आप देखिए आज के डेट में सांसद में भी धीरे धीरे प्रतिभागिता बढ़ती जा रही है, और मंत्री पद भी महिलाओं को मिल रहे हैं। आज हमारी जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद पर अगर देखा जाए तो जो माननीय राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला है। और तो आप देखिए कि इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि महिला सशक्तिकरण पर भारत में कितने उच्च स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, कि हमारे राष्ट्र की जो प्रथम नागरिक है वो महिला है। और हमारी जो जो मैं डॉक्टर ऋषि कुमार विश्वविद्यालय में हूँ, यहाँ पर भी जो माननीय कुलपति महोदया है वो माननीय प्रोफेसर नीलमा गुप्ता जी है, जो कि तीन विश्वविद्यालयों की पहले से कुलपति रह चुकी हैं, और आज भी उन्होंने उनका जो कार्यकाल है वो इतने बेहतर ढंग से उनका जो कार्यकाल है वो इतने उन्होंने नए कोर्सेज यहाँ पर लागू कर दिए हैं, और आए दिन मीटिंग करती हैं, विश्वविद्यालय की पूरी रंगत उन्होंने बदल दी है। तो आप ये मान के चलिए आने वाला समय महिलाओं का है, और महिला जब भी प्रमुख पद पर पहुंचेगी तो महिला वहां पर पूरी तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन करने में सक्षम होगी। और ये जो सब विषय है, विषय पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी समय की भी अपनी सीमा होती है, 12:45 हो चुके हैं, और मैं यह कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, और किसी को अगर कोई भी प्रश्न है तो अभी या बाद में पूछे जा सकते हैं। ओवर टू डॉक्टर नीलमा जी। थैंक यू।